नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल भंडारी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। जैसे कि वीडियो का टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का ये जो वीडियो है वो किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। तो जी हाँ, आज हम सीखेंगे कि मार्क में कंपनी को कैसे क्रिएट ऑर्डर और डिलीट किया जाए। और जिस किसी ने भी मेरा पहला वीडियो कि मार्क को कैसे अपने डिवाइस में इंस्टॉल किया जाए नहीं देखा, वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके वीडियो को देख सकता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे डेस्कटॉप में मार्क आइकन है, इसे मैं डबल क्लिक करके ओपन करूंगा। अभी मार्क में आपको कोई भी अकाउंटिंग मास्टर या इन्वेंटरी मास्टर अगर आपको कोई क्रिएट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की दी गई है F2। ऐसी मेरे को एक नई कंपनी को क्रिएट करना है तो यहाँ पे मैं F2 प्रेस करूंगा न्यू क्रिएशन के लिए। तो यहाँ पे एक नई कंपनी बनाते हैं। कंपनी कंपनी का एड्रेस, कंपनी का फोन नंबर। अगर मेरी भी कंपनी की डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट ब्रांचेस हैं तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं कोई यूनिक कोड दे देता हूँ अपने कंपनी को। इसी तरह अगर कोई फैक्स नंबर मेरी कंपनी का है तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, अदरवाइज मैं इसे छोड़ दूंगा। वेबसाइट अगर है तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, नहीं है तो मैं इसे ब्लैंक छोड़ देता हूँ। ईमेल आईडी में अपनी कंपनी की यहाँ पे ट्वीट कर देता हूँ। आपकी कंपनी किस कंट्री में सिचुएटेड है वो आपसे पूछेगा। फिलहाल बाय डिफॉल्ट ये इंडिया को सिलेक्ट करके रखता है, मेरी इंडिया में है। अगर आपकी कंपनी किसी और कंट्री में सिचुएटेड है तो आप वो ड्रिल डाउन करके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मैं इंडिया सिलेक्ट करके आगे बढ़ रहा हूँ। और इंडिया के किस स्टेट में आपकी कंपनी सिचुएटेड है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। वर्किंग बिजनेस टाइप, बिजनेस टाइप में ही पूछता है बेसिकली आपका ट्रेड कौन सा है कि आप किस ट्रेड के हैं। तो यहाँ पे वैरायटीज ऑफ ट्रेड आपको मिल जाते हैं जो कि इनबिल्ट है मार्क में। आप उसके अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड यहाँ पे चुन सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसका फायदा ये रहता है कि जिस ट्रेड को आप चुनेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको मॉड्यूल के अंदर रिपोर्ट्स मिल जाएंगे, ऑटो जनरेटेड मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अभी फार्मेसी शॉप का ले लेता हूँ मॉड्यूल, जिसके अकॉर्डिंगली मुझे आगे जाके रिपोर्ट्स मिलेंगी। वर्किंग स्टाइल क्या रहेगा यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल मेरी फार्मेसी की शॉप है और फार्मेसी की शॉप में ऐसा होता है कि हमें हर एक जो मेडिसिन है उसको ट्रैक करना होता है कि कौन सी मेडिसिन मेरी कब एक्सपायर हो रही है और मेरे किस रैक में कितना मटेरियल पड़ा हुआ, कितना मेडिसिन पड़ा हुआ, वो हमें ट्रैक करना होता है। ये सब हमें बैच वाइज या फिर रैक वाइज मेंटेन करना होता है। तो अगर आपको वैसी रिपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी चूज करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप वो रिपोर्ट नहीं चाहते और बैच वाइज मेंटेन नहीं करना चाहते तो आप नॉर्मल सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे मेरी नीड है कि मुझे बैच वाइज इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं सेकेंडरी चूज करके आगे बढ़ता हूँ। ऐसी अगर मैं आगे मैं बढ़ूंगा तो ये मुझसे मेरा GST नंबर पूछेगा। अभी मैं फिलहाल अनरजिस्टर्ड हूँ तो मैं इसे ब्लैंक छोड़ देता हूँ और आगे बढ़ देता हूँ। अननेसेसरी जो फील्ड्स हैं वो मैं फीड करता रहूंगा और जो जो अननेसेसरी जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है मेरे पे, जैसे फॉर एग्जांपल वैट नंबर नहीं है, DL नंबर अगर मेरा है, जैसे कि ड्रग लाइसेंस नंबर जो कि फार्मा इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज होता ही है, तो यहाँ पे मैं फीड करके आगे बढ़ जाऊँगा। ड्रग लाइसेंस नंबर और उसका एक्सपायरी डेट यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा। ये सारे एडिटेबल फील्ड्स हैं जो मैं एडिट कर सकता हूँ बाद में भी। जो डिडिक्शन मेरा दे रहा हूँ मैं फिल कर देता हूँ। कंपनी मेरी अभी रजिस्टर दिखा रहा है और फिलहाल मैं इसे अनरजिस्टर रख रहा हूँ। टैक्स स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट वाइज
प्रोडक्ट वाइज पे चार्ज करूंगा, तो प्रोडक्ट वाइज मैं ऐसे लेता हूँ, और वैल्यूएशन में लास्ट परचेज लेता हूँ। फाइनेंशियल ईयर बाय डिफॉल्ट ये मेरा करंट ले लेगा, आप इसे चेंज कर सकते हैं। एंड डाटा डायरेक्टरी, आप बाय डिफॉल्ट उसने डाटा वो वाला फोल्डर लिया है जहाँ पे आपका मार्ग इंस्टॉल हुआ है। अगर आप किसी और ड्राइव में रखना चाहते हैं अपने डाटा को, तो आप वहाँ पे इस पाथ को स्पेसिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट जो ऑप्शन आता है पासवर्ड का, अगर आप डाटा कंपनी में प्रोटेक्शन लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप पासवर्ड इसको एक फीड कर सकते हैं यहाँ पे, और इसको एंटर करके सेव कर सकते हैं। तो ऐसे करके हमारा पहला स्टेप कंपनी क्रिएशन का पूरा होता है, और हमारी कंपनी ऐसे क्रिएट होती है मार्क। अब आते हैं हम अपने दूसरे स्टेप पे, कंपनी ऑल्टरेशन पे। तो मार्क में आपको कुछ भी लेजर, इन्वेंट्री या कंपनी को अगर ऑल्टर करना है, तो उसका शॉर्टकट की दिया गया है F3। यहाँ पे मैं F3 प्रेस करता हूँ कंपनी को सिलेक्ट करके। तो यहाँ पे देखिए, आप ऊपर आ रहा है हेडिंग कंपनी ऑल्टरेशन। अब यहाँ पे आप देख सकेंगे कि कौन सी फील्ड या फिर कौन सा इंफॉर्मेशन आपको कंपनी में ऑल्टर करना है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके वो ऑल्टर कर सकते हैं उस फील्ड पे जाके। जैसे अगर मैं फोन नंबर कुछ और फीड करना चाहता हूँ, तो मैं इसे एडिट करके एडिट कर सकता हूँ। और इस तरह से आप देखेंगे मेरे जो कंपनी का फोन नंबर है वो चेंज हो गया ऑल्टर में जाके। तो इस तरह से आप अपनी कंपनी को ऑल्टर कर सकते हैं। और अब हम तीसरे स्टेप पे आते हैं कि कंपनी को कैसे डिलीट किया जाए। तो कंपनी को डिलीट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, कंपनी पे सिलेक्ट, कंपनी को सिलेक्ट करना है अपनी, देन एंटर करना है। यहाँ पे आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन मिलेगा, डिलीट फाइनेंशियल ईयर। तो इसमें आप जाएंगे या F प्रेस कर देंगे, तो ये आपको पूछेगा बैकअप के लिए। पहले आपको बैकअप लेना है और सेलेक्ट करना है फाइनेंशियल ईयर को, और यहाँ पे डायरेक्टरी दे देनी है कि कौन सी डायरेक्टरी में आप इस फाइनेंशियल ईयर का बैकअप रखेंगे। ये बैकअप ले लेना है, और कंपनी को डिलीट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है डिलीट। डिलीट करके आप एंटर करते ही ये आपकी जो कंपनी है वो डिलीट हो जाएगी। तो देखिए, इस तरह से आप अपनी कंपनी को मार्क में डिलीट कर पाएंगे। तो आज हमने सीखा कि कैसे कंपनी को क्रिएट, ऑल्टर और डिलीट किया जाए। तो कमेंट बॉक्स पे बता दीजिएगा कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।